सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाएं बेल के बटन को मेरी हर नई आने वाली वीडियोस देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नॉलेज ऑफ नूरी वज़ाइफ़ की तरफ से आपको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसा नायाब वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, अगर आप अपने महबूब को अपनी मोहब्बत में मुब्तला करने चाहते हो तो इस अमल को एक बार लाजमी करो। वजीफ़ा स्टार्ट करने से पहले कुछ चंद बातें आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप वज़ाइफ़ करो तो आपकी परहेज़ ये है कि आपने लहसुन और प्याज अपने खाने में मत डालना, क्योंकि इसके डालने से या खाने में खाने से आपके मुंह में बदबू आती रहती है, जिसकी वजह से आपकी दुआ की कबूलियत में आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये वजीफ़ा मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये अमल 3 दिन लगातार करना है और हर रोज़ किसी भी वक्त सूरतुल जुमा को एक बार पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 3-3 बार पढ़ना है और पढ़ते वक्त मुंह महबूब के घर की तरफ हो और उसका अक्स आंखों में हो, और उसके बाद आपने अल्लाह पाक से उसकी मोहब्बत की दुआ मांगनी है। दुआ इस तरीके से मांगनी है कि जब आपने सूरतुल जुमा को पढ़ लिया तो उसके बाद सजदा में जाकर अल्लाह पाक से उसकी मोहब्बत की दुआ मांगनी है। ये अमल 3 दिन लगातार करना है, जिस वक्त पहले दिन आपने अमल किया उसी वक्त दूसरे दिन करना है और उसी वक्त तीसरे दिन, और तीनों दिन आपने अल्लाह पाक से उसकी दुआ मोहब्बत की दुआ मांगनी है। हक ताला ने चाहा तो बहुत जल्द कर्म हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये था मेरा आज का वजीफ़ा। अगली बार फिर मिलूँगा एक नए वजीफे के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।